दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों जर्मन शेफर्ड में आप लोगों को काफी अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, आई मीन इनके कोट को लेकर भी और इनके कलर्स को लेकर भी, बिकॉज इनमें आप लोगों को ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक एंड टैन मिल जाता है। और वहीं पर अगर इनके कोट के बारे में बात करें तो इनमें आप लोगों को स्मूथ, मीडियम, डबल और लॉन्ग कोट के पपीज मिल जाते हैं। वैसे लॉन्ग कोट सबसे एक्सपेंसिव होता है। तो आज आप लोगों को इन पपीज में दो कलर्स मिलने वाले हैं जिसमें से एक है ब्लैक और एक है ब्लैक एंड टैन। इन पपीज जो ना ये डबल कोट में है। वैसे मदर को आप लोग पपीज के साथ में देख रहे हैं, मदर प्योर ब्लैक कलर में है और जो फादर है वो है ब्लैक एंड टैन कलर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि आप लोगों को शायद कोई भी नहीं बताएगा, कोई ब्रीडर भी नहीं। भाई जब भी आप लोग किसी पपीज को परचेज करो ना या फिर आप लोगों के पास कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो भाई हमेशा उन्हें खाना थोड़ा हाइट पर रख के दें, क्योंकि अगर आप लोग खाने को जमीन में रखोगे तो एक तो उन्हें खाते टाइम प्रॉब्लम होगी, दूसरी चीज उनका बॉडी वेट आगे के पैरों पे आ जाता है जिसकी वजह से उनके लेग्स भी बेंड हो सकते हैं, एंड तीसरी चीज उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है। और प्रेग्नेंट फीमेल को तो भाई आप लोग जमीन में रख के खाना कभी भी ना खिलाएं। वैसे हमारे दूसरे चैनल पर प्रेग्नेंट फीमेल को लेकर काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो फटाफट हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई अब आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग ब्लैक एंड टैन कलर के पपीज को परचेज करना चाहते हैं या ब्लैक कलर के। वैसे प्राइस में आप लोगों को थोड़ा फर्क मिलेगा क्योंकि जो ब्लैक कलर के पपीज होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन दोस्तों इन पपीज को घर ले जाने में अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज पपीज जो ना ये अभी जस्ट 23 डेज के हुए हैं। तो फिलहाल आप लोग छोटा सा टोकन अमाउंट पे करके इन्हें बुक करके रख सकते हैं। जब पपीज 30 डेज से ऊपर हो जाए तो उस टाइम आप लोग इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। वैसे आप लोग जानते हैं कि इस ब्रीड के साथ मेरा पर्सनली काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई दूसरी डॉग ब्रीड पसंद ही नहीं आती भाई, क्योंकि मुझे इसमें हर एक वो चीज मिल जाती है जो कि एक परफेक्ट डॉग ब्रीड में होनी चाहिए। बिकॉज ये अच्छे गार्ड डॉग्स होने के साथ साथ काफी प्रोटेक्टिव भी होते हैं और पूरा दिन आप लोगों के साथ खेल भी सकते हैं, बिकॉज इन्हें मस्ती करना काफी पसंद होता है। एंड गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये इन पपीज के फादर हैं। भाई क्वाड़ी देखे जो कि अल्टीमेट है, काफी डार्क कलर में है और टेल भी देखिए कितनी लॉन्ग एंड कितनी थिक है जो कि जमीन को टच कर रही है। वैसे इनके प्राइस के बारे में बात करने से पहले ओनर के पास ये एक पपी और अवेलेबल है जो कि 30 डेज का हो चुका है और ये भी डबल कोट में। क्वाड़ी देखे इसकी भी बहुत ही शानदार है और ये मेल पपी है। तो अगर आप लोग ज्यादा वेट नहीं कर सकते तो आप लोग इस पपी को परचेज कर सकते हो। उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड किया है वो क्या 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए। बाकी अगर छोटे पपीज के बारे में बात करें तो ये पपीज 22 डेज के हो चुके हैं जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है पालम दिल्ली NCR से। डायरेक्ट जाकर भी परचेज कर सकते हो या फिर ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो जैसे कि बता ही चुका हूँ इनमें ब्लैक कलर के पपीज भी अवेलेबल है। तो उन्हें जो ब्लैक मेल की प्राइस की डिमांड की है वो क्या 25,000 पीस 25,000 रुपए एंड फीमेल की क्या 18,000 पीस यानी 18,000 रुपए। लेकिन अगर आप लोग ब्लैक एंड टैन लेना चाहते हो तो उनका जो प्राइस है वो मेल का 20,000 पीस 20,000 रुपए एंड फीमेल का 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। बाकी प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।